फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी दीदी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ बाहर और बाहर आके थोड़ा बकरी को देख रही हूँ और थोड़ा धूप ले रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ठंडा लग रहा है घर के अंदर में, तो इसलिए मैं बाहर में धूप, घर में बहुत ठंडा है और अभी यहाँ बहुत अच्छी धूप आ रही है। मैं दिखा रही हूँ, देखिए बहुत अच्छी धूप आ रही है, देख सकते हैं, और पूरा फेस पे धूप पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड के मौसम में धूप लेना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, चलते हैं घर में, घर के अंदर, क्योंकि अभी मैं बाहर आई थी बकरी लोग को देखने के लिए और थोड़ा धूप में खड़ी हो गई क्योंकि अच्छा लग रहा था, इसे थोड़ा देर खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी जा रही हूँ घर और दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है और आज क्या बनने वाला है, ये भी दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो में लाती रहूँगी। चलिए चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये हम लोगों का, ये देखिए सेम लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये सेम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, घर का है अपना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ घर में, चलती हूँ घर अभी, तो देखते हैं क्या क्या होता है, वीडियो में बने रहें। तो पापा लाए हैं ऑरेंज, ये लोकल ऑरेंज है, इसकी साइज देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी है। अब पता नहीं खाकर दिखना होगा कि खट्टा है कि मीठा, वैसे हमारे आसाम में इसे कोमला टेंगा कहते हैं। तो ये लाए हैं पापा और ये देखिए क्या निकल गया। तो ये छोटे छोटे हैं, इसे खा के ही पता चलेगा कि ये मीठे हैं या खट्टे हैं। मछली हमने साफ करके धो ली है, अब इसे फटाफट फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ ना, नमक काफी होगा फ्राई करने के लिए और मम्मी ही बनाएगी, मैं बस फ्राई कर देती हूँ और बाकी सारी जो तैयारियाँ हैं वो कर दूंगी। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से यहाँ पे सब हल्दी नमक और मिर्च मिक्स कर ली है, अभी इसे जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो पहले मैं बिठा देती हूँ, मेरी कढ़ाई हो गई है गर्म और मैं यहाँ पे अभी तेल डाल दे रही हूँ। जो तेल था मछली का बचा हुआ उसी तेल में हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मिर्च का फरन अभी हमने डाल दिया है, यहाँ पे आलू ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से चला लेंगे। अभी थोड़ी देर आलू को पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा देर इसे ढक देंगे। यहाँ पे हमारी आलू फ्राई हो गई है थोड़ी सी, इसे में अब हम मसाला ऐड कर देंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, अब इसे अच्छे से चलाकर भून लेंगे। अब देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से पक चुका है, अब इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। यहाँ हमने कढ़ी के लिए पानी डाल दिया है। अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।